चलिए, बाजार बंद होने वाला है और कल के लेवल्स की बातें कर लेते हैं। 18,308 के आसपास निफ्टी फिलहाल दिखाई दे रही है और कुछ ही क्षणों में, कुछ सेकंड्स में मार्केट बंद होने वाली है। बाजार जबरदस्त मार्केट, आज कॉल ऑप्शन में पैसे बनाए, पुट ऑप्शन में पैसे बनाए, और ये जो रेंज बाउंड मार्केट थी, जब मैं लंच पे गया था 11 o'clock के आसपास में ब्रेक लिया था फर्स्ट सेशन ऑफ ट्रेडिंग रूम का, जहां बाजार छोड़ के गए थे बाजार वहीं मिला 2 बजे तक, 2 ढाई बजे तक। इनफैक्ट 2:30 बजे जब मैं बैठा हूँ बाजार में, फिर एक फॉल आया जिसको मैं सुबह से कह रहा था कि बाजार गिरना चाहिए, मार्केट अगेंस्ट दी ऑड्स ट्रेड कर रहा है। मार्केट जो बाजार ऊपर खड़ा हुआ है 325 के आसपास, 23 के आसपास, वो नहीं खड़ा होना चाहिए। वहां से एक शार्प फॉल देखने को मिला और 3 बजे के आसपास में मार्केट ने, 2:56 के आसपास में मार्केट ने 270 के लेवल को वापस टेस्ट किया। तो 323 से 270, मोटा मोटा 60 से 70 पॉइंट की एक फॉल देखने को मिली। 18,300 की पुट ऑप्शन जो कहीं ना कहीं 8 रुपये 9 रुपये के आसपास आ गई थी, 40 रुपये वापस से बिकती हुई दिखाई दी, जिसमें जो एक्सपेक्टेड था, मैंने कहा था 40 रुपये के आसपास वो बिकेगी और वैसा ही देखने को मिला। ट्रेडिंग मेंबर्स ने और यूट्यूब पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सबने बहुत पैसे बनाए। देखो ये स्पाइक था पूरा एकदम 40 रुपये के आसपास का, पूरा 3 बजे ही हाई मारा 40 रुपये 80 पैसे का, वापस 2 रुपये 80 पैसे पे वो बंद हुई, जबकि पहले 4 रुपये से 40 रुपये, सोचिए पैसा 10 गुना हुआ होगा, 10 गुना। किसी ने 12 पे एंट्री की, किसी ने 13 पे एंट्री की, 14 15 पे बहुत एंट्री की थी, हम लोगों ने बहुत एंट्री की थी। हालांकि मैंने अपना पेपर ट्रेड का लॉस बुक किया था यहाँ पे, क्योंकि मैंने आहुति देने की कोशिश की थी और लाइव सेशन में बताया था कि मैं आहुति दे रहा हूँ ताकि आप लोग ट्रेवल कर सके, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था उस ट्रेड से। बाजार ने बहुत अच्छी मूवमेंट थी। अब निफ्टी की अगर बात करें तो 18,300 के आसपास निफ्टी बंद होती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसी स्थिति के अंदर में हमारा जो फ्राइडे का मार्केट रहेगा, फ्राइडे का मार्केट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं 300 के नीचे खुलने के आसार हैं। तो चांसेस हैं निफ्टी 18,300 के नीचे खुल सकती है, पूरे चांसेस हैं, और 18,300 के नीचे अगर खुलती है बाजार तो कहीं ना कहीं 277 फिर से वही एक सपोर्ट का काम करेगा, और 270 का जो सपोर्ट आज बनाया है, ये सपोर्ट हमारा एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ कहीं मिलता है बाजार तो हो सकता है बिल्टअप को देखे हम बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर 270 को भी तोड़ता है देन वी आर हेडिंग अगेन क्लियरली क्लियरली टुवर्ड्स 18,225। आज का हाई 18,360 के आसपास ही रहा, इसके ऊपर का हाई नहीं गया, सस्टेन ही नहीं गया। मार्केट ने सुबह सुबह 389 के आसपास का हाई दिखाया था, ये कैंडल पे सुबह सुबह कह दिया गया था आपको निकल जाइए, यहीं पे हमने पुट ऑप्शन पैसे बनाए थे, कल कॉल ऑप्शन BTSC की थी उसमें पैसे बनाए थे, और यहाँ ये ट्रेड क्लियर था कि सस्टेन नहीं करेगा, सस्टेन नहीं किया, और वही हमें कल भी देखने को मिल सकता है कि अगर 270 ब्रेक होता है तो हमें सेल साइड का ट्रेड लेना है 225 तक के आसपास में, ज्यादा बड़ा नहीं, 225 पे फिर से री एंट्री करने की कोशिश करेंगे ऑन द लॉन्ग साइड। ब्रेकआउट अगर करता है तो 320-25 का आज पूरे दिन एक लेवल आ, जहाँ पे मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया मल्टीपल टाइम, जिसको फेल किया, सस्टेन नहीं किया, कम से कम 2 ढाई घंटे बाजार यहाँ पे रहा। तो कल अगर विद वॉल्यूम्स गैप के साथ यहाँ खुलता है ऊपर में, तो इसके ऊपर हम बाय का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, बट ऑप्शन चेन ओनली, ऑप्शन चेन क्लियरली सजेस्ट करेगी तो हम बाय में बैठेंगे, नहीं तो सेल में बैठेंगे। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी एक साइडवेज टू रेंज बाउंड मार्केट ही थी, और जो आज के हाई थे बाजार ने 43,681 के आसपास देखिए, बहुत ही कमाल के हाई है। आप कहेंगे ये लेवल कहाँ से निकल के आते हैं, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ऑल ओवर, 43,671, और बैंक निफ्टी का जो लेवल हमारे पास में था वो था 43,681। आई कैनॉट बी मच क्लोजर देन दिस, राइट, एंड दिस इज यूनिक। उसके बाद बाजार गिरा तो 43,470 के आसपास में, 475 की क्लोजिंग है, 475 की, सोचिए इससे ज्यादा क्लियर लेवल्स आपको कहीं नहीं मिल सकते। आपको ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू बी पार्ट ऑफ माय मास्टर क्लास और द पार्ट ऑफ द क्लास जो मैं अभी ऑनलाइन पढ़ाने वाला हूँ, आपको 1 महीने पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो 15 से जो बैच स्टार्ट होना था, उस 15 के बैच को 15 को ना करके, दिस इज डिसाइडेड, डन एंड डस्टेड, हम 1 जून से इस बैच को करेंगे, 1 से 30, पूरा 30 दिन का महीना रहेगा, कोई टेंशन नहीं रहने वाली, कोई क्लैरिटी भी बिल्कुल सही रहेगी। जो तो पेड ट्रेडिंग रूम है वो 15 से स्टार्ट हो जाएंगे, जो लाइव ट्रेडिंग रूम, जो पेड ट्रेडिंग रूम आप सुबह सुबह 9 बजे लाइव देखते हैं यूट्यूब के ऊपर में, वो आपको सिर्फ 2 या 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का 1 से 1.5 घंटा इवनिंग में आपको मिलेगा, लाइव ट्रेडिंग रूम आपको भी मिलेगा देखने को, बट मॉर्निंग के जो ट्रेड्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिव पेड मेंबर्स को ही मिलने वाले हैं, जो ट्रेडिंग रूम में लाइव बैठते हैं वो सुबह स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके रजिस्ट्रेशन के लिंक, जो अगर ट्रेडिंग रूम आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको 14th को यूट्यूब लाइव सेशन में और टेलीग्राम पे हर जगह सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टॉक्स में हमें कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए दिखाई दिए, वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज, BPCL, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जो बहुत बढ़िया हुआ, 2% की रैली ने दिया आज, लुपिन ने 2% की आज की रैली दी है, और GNFC ने भी 4% की रैली दी है। ये स्टॉक कल भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें BPCL, पिडिलाइट और गोदरेज प्रॉपर्टीज में नजरें हैं, जहां पे शॉर्ट कवरिंग आएगी तो बढ़िया से 1,370 के आसपास तक गोदरेज प्रॉपर्टीज को हम जाते हुए देखेंगे। 384 के ऊपर BPCL निकलेगा तो इसमें बुल रन आएगा, नहीं तो 372 से 384 की भी अच्छी खासी रैली होती है, फ्यूचर्स में अच्छा खासा लॉट है इसका, तो वहाँ पैसे बनाए जा सकते हैं।
और ये रहे हमारे आज के जो तेजी करने वाले सबसे, जो कल हम तेजी में बैठते हैं, जो मंदी जिसमें आप खेलते हैं, जिसमें हम साइडवेज होते हैं, वो आरती इंडस्ट्रीज है, पीएनबी है, पिरामिड एंटरप्राइजेस लिमिटेड है, रेन है, एचडीएफसी बैंक है। इसमें अभी भी शॉर्ट बिल्डअप ही देखने को मिल रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट राइटर्स ट्रैप दिखाई दे रहा है। पुट राइटर्स ट्रैप है तो कहने का मतलब है कि बाजार में मंदी, इन स्टॉक्स में मंदी देखने को मिल सकती है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और मिलते हैं कल सुबह लाइव ट्रेडिंग में 9 बजे के आसपास, और फिर हम मिलेंगे आपसे आफ्टरनून सेशन में 2 बजे के आसपास में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय।